गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 21 अक्टूबर 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:46 हो रहे हैं। सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 20 अक्टूबर आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11883 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11800। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ ब्रेकआउट लेवल के नीचे और जैसे ही यहाँ से इसने ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट 11898 ये अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 11914 ये भी अचीव हुआ। तो वन रो में फर्स्ट और सेकेंड टारगेट अचीव हुए। फिर जब ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने फर्स्ट सपोर्ट लिया और फिर से बाउंस बैक होते हुए फिर से हमारे टारगेट्स अचीव किए। एट द एंड भी आप देख सकते हैं, ब्रेकआउट लेवल के पास ही इसने एग्जैक्ट सपोर्ट का काम किया और फर्स्ट लेवल के आसपास इसने अपना क्लोजिंग वैल्यू कर दिया है। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए कल भी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 13,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। यह था कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं क्विकली। कल अमेरिकी बाजार नासडैक दूसरे दिन लगातार हरे निशान में बंद हुए। यूरोपियन मार्केट कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पा रहे, मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है यूरोपियन मार्केट्स में। एशियाई बाजार आज एक बार फिर से सभी लगभग हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं। डाउ फ्यूचर भी देखे तो 130 पॉइंट की इस समय बढ़त दिखा रहा है। तो ओवरऑल अभी एशियाई बाजारों से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, लेकिन निफ्टी में अगर ये बेरिश कैंडल को देखें तो ये जस्ट रिकवरी, हम यहाँ पे ये जो बाउंस बैक आए इसे हम जस्ट रिकवरी कह सकते हैं। अगर इसे अपसाइड मूव में कंटिन्यू होना है तो इसे 12,000 जो कि साइकोलॉजिकल बैरियर है उसके ऊपर क्लोज सस्टेन होना काफ़ी ज़रूरी है। अदरवाइज अभी 11,800 का ये सपोर्ट बना हुआ है। 11,800 फिर से ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स 20 में ये जो पिंक लाइन है ये अराउंड अभी 11,650 के आसपास है। तो यहाँ तक निफ्टी इंडेक्स हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है अगर 11,800 को ब्रेक करता है। तो चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। एंड निफ्टी इंडेक्स अगर कल का ये जो हाई बना है जहाँ से निफ्टी इंडेक्स ने टर्न लिया है वो अगर ब्रेक होता है यानी 11,949 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,973, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,989, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और निफ्टी इंडेक्स अगर टूवर्ड साउथ की तरफ चल देता है तो 11,885 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। तो ये जो कल इसने क्लोज दिया है इसी के पास आके इसने जो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था इसी के पास इसने कल सपोर्ट टेस्ट किया था। तो ये सपोर्ट अगर आज ब्रेक होता है 11,885 तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा एक क्विकली टारगेट होगा 11,870 जो कि 20 EMA का ये पिंक लाइन उसी के पास आ रहा है और सेकेंड टारगेट होगा 11,848, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।